स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा, मैं अभी भी दीदी के घर हूँ और कल मुझे यहाँ से जाना है, यानी कि कल है संडे, कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, मतलब अपने ससुराल जा रही हूँ। और जस्ट अभी मैं बैठी, ऐसे ही बैठी थी तो मैं कुछ इसकी बातें सुनी थी, ये कुछ बातें बोल रही थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ये बातें शेयर करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसको काफी टाइम से यही मुझे बोलती कि आ जाओ, तो कोरोना के चलते मैं नहीं आ पाई, बट अभी आई हूँ तो वन वीक के लिए आई थी, तो इसका काफी लगाव है और इसको ये है कि अभी जाना नहीं है, चाह रही है कि अभी मैं यहीं पर रहूँ, बट फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, तो इस वजह से ये कुछ कहना चाह रही थी। तो मुझे लगा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और हाँ, मॉर्निंग में आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पे कितनी तेज बारिश आई थी, मैंने आगे वीडियो में लगाई लिया है, मॉर्निंग 6 बजे के अराउंड यहाँ पे इतनी तेज बारिश आई थी, बट अभी मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा ठीक भी नहीं है बट ठीक है, बारिश नहीं आ रही है। तो चलो बोलो, आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो लग रहा है, पर इसमें बुरा लग रहा है क्योंकि आप कल चले जाओगे। तो आप अभी क्या बोले थे मुझे कि क्या दिन होंगे आपके? अब फीके से दिन बन जाएंगे फिर से। कैसे फीके से? फिर मजे नहीं आते, फिर कुछ मजे नहीं आते। मौसी के आगे मजे आ रहे हैं आपको? हाँ इस टाइम मजा। तो एक काम करो, मौसी के साथ चलो, मौसी के घर चलोगे? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्यों? वहाँ एक छोटा भाई भी है, नहीं आएगी? तो देख सकते हैं आप लोग, ये बोल रही है कि नहीं मेरे को, आप चले जाओगे तो हमारे जो दिन है वो फीके फीके होने, मतलब हमें फीके फीके दिन हमें फील होंगे, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा, है ना बेटा, जाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी फिर आऊंगी, वन वीक या देखूंगी, जैसे 10 टाइम लगेगा जब महीने तक आ जाना। अच्छा 1 मंथ की आऊँ? तो मौसा जी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ले लोगे? हाँ तो मे बी आप देखते हैं मौसा जी इसके परमिशन देते नहीं देते, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आने जाऊंगी कुछ ऐसी चीज जो हमारे कल्चर में आता है, उत्तराखंड कल्चर में आता है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी बट अब मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि किस तरीके से ये बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब वो नहीं करूंगी क्योंकि उस टाइम मैंने बताया नहीं था, बट अभी मैं बताऊंगी कि कैसा इसका प्रोसेस है। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहे, उम्मीद करती हूँ तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपनी वीडियो जो आप लोगों ने कल देख ली होगी, गोलगप्पे चैलेंज वाली वीडियो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। और चलो आप ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अभी हम खाना खा रहे हैं, वैसे भी खाना खा ही लिया है, थोड़ा सा ही रह रहा है, और मौसी ने भी दही निकाली है खाने के लिए। आज बनी थी पेठे की सब्जी और मैंने और माही ने पिया दूध, जो कि सुबह सुबह हम दूध पीते हैं, दूध और रोटी। आप ये मत सोचना कि हम ऐसे नीचे बैठ के क्यों खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे इंडियन लोगों का कल्चर ही है ये, हमें ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता होगा हमें नहीं पता, पर हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, इंडियन लोग जो है हम। फ्रेंड्स अभी आप बताना कि आपको नीचे बैठ के अच्छा लगता है या ऊपर बैठ के, अभी तो मेरी क्लास भी चल रही है, कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि नीचे बैठ के खाना खाने से परिवार बना रहता है। आजकल मॉडर्न जमाना है तो फिर लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, कोई कहीं खाता कोई कहीं खाता है, और हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे परिवार भी बना रहता है। तो अभी देखो मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो क्लास चल रही है अभी मेरी और सब खाना खा रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बहन सोई हुई है
क्योंकि आज उसकी कोई क्लास नहीं है, मेरी भी कोई क्लास नहीं थी, पर क्लास शुरू हो गई बाय चांस हो गई थी, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं था कि क्लास होगी होगी, मैसेज आ गया था। अब देखिए माई सोई हुई है, अब देखते हैं कि मम्मी और मौसी क्या कर रहे हैं। मौसी और मम्मी अभी काम कर रहे हैं, मौसी अभी बर्तन मांज रही हैं और मम्मी अभी डस्टिंग कर रही हैं, किचन साफ कर रही हैं मतलब, और ये सबको देख रही है। चलो अब देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अचानक से यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ गई है, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत तेज बारिश अचानक से ही, और अभी 10:30 हो रही है, सुबह के 10:30 हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी यहाँ पे बारिश आ रही है। गाइज अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हमारे लंच का टाइम भी हो गया, अब देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सोचेंगे कि आज व्लॉग में बस मैं ही क्यों दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आज मौसी को कहा है कि आज मैं ही व्लॉगिंग करूँगी और आज आप अपना काम कर लो, और इसलिए मौसी अभी कर रही हैं अपना काम। और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये व्लॉगिंग पसंद आ रही होगी। चलो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या बना रही हैं। सो गाइस अब मम्मी ने दही बड़े बनाना शुरू कर दिया है, देखिए मम्मी ने दही बड़े की पपड़ी भी बना दी है जो मम्मी उस पर डालेंगी, और ये दही बड़े हमने पानी में डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मौसी अपना काम कर रही हैं और अब मम्मी जब तक दही बड़े बना रही है तब तक आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों आज शाम की यानी कि दोपहर की 2 बज चुकी हैं, लेकिन मौसम जो है वो ऐसा है कि उसका मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी तेज यहाँ पे बारिश आ रही है, कंटिन्यू यहाँ बारिश है। कल मुझे जाना है तो ऐसी बारिश देखे तो मेरे को ये हो रहा है कि कल भी ऐसी बारिश आएगी तो कल का क्या होगा मेरा, बट फिर भी मेरी आज ही ये बारिश है, बट आज पूरा दिन बारिश है तो पता नहीं कल क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं आपके लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी, तो मे भी इस ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाऊंगी, और जो मुझे शेयर करना था वो मुझे शेयर करना था गढ़वाली रोटियां जो बनते हैं गाँव में, जो मैंने पहले भी आपको बताया वो बना रही थी दीदी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, बट मुश्किल लग रहा कि आज बनाएगी क्योंकि वो बोल रही आज मैं नहीं बना पाऊंगी, तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब तो बारिश आ गई, अब क्या होगा, मैं कल जाऊंगी नहीं खुशी देखो माई की। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो आगे मतलब डॉली बना रही थी, क्योंकि डॉली का बहुत मन है ब्लॉगिंग करने का, बहुत जल्दी डॉली अपना चैनल भी खोलेगी, बट अभी छोटी है तो इसलिए नहीं खोल सकती है, थोड़ी अभी पढ़ाई पे बच्चों का ध्यान देना चाहिए। बाहर आप लोगों ने जैसे देख ही लिया है कि यहाँ कंटिन्यू आज बारिश आ रही है और इतनी तेज बारिश आ रही है कि मतलब कोई हद ही नहीं है। वो तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे पानी नहीं रुकता है, जैसे आपने गुड़गांव में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे देखा होगा कि अगर थोड़ी सी बारिश आएगी तो पूरी जो हमारी गली है रोड है वो पानी से भर जाता है, बट यहाँ पे पानी रुकता बहुत कम है, इसी गली में है, बाकी अदर आगे पीछे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी रुकता है, बट इस गली में ये चीज अच्छी है कि यहाँ पे पानी नहीं रुकता है। तो मैंने अपना अभी जस्ट वीडियो एक अपलोड की थी अपने दूसरे चैनल के लिए, वो मैंने डाल दी है, और हमारे दही वड़े बन चुके हैं, आज हम दही वड़े खा रहे हैं, जो कि आपने देख ही लिया होगा दीदी दही वड़े बना रही थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दही वड़े खाने, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना रखा है, मतलब क्या क्या चीजें, वैसे तो थोड़ा बहुत डॉली ने आपको दिखाई लिया होगा, मैं उस टाइम काम कर रही थी तो मैंने उसी को बोला तू व्लॉग कर ले,
तो दिखाती हूँ आपको किस तरीके का दही वड़ा बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, ये गोलगप्पे इसमें रेडी है, मतलब बोलते हैं ना पापड़ी, पापड़ी जैसे यूज करेंगे इसे, बट ये फूल गए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे वड़े हैं जिसको पानी में डाल दिया है, और ये चटनी बनाई हुई है, ये आमचूर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बन चुकी है, ये ग्रीन चटनी हमारी बन चुकी है, और ये है हमारा जीरा पाउडर जो भी हम इसमें डालते हैं, मतलब तो ये भुना हुआ जीरा, और ये है दही। यहाँ पे प्लेट्स हमारी सबकी लग चुकी है, पूरा ये है, और अब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग पहले खा लेते हैं, आप लोग भी यहीं से इंजॉय कीजिए इसे खाना। और साथ में जैसे मैंने आपको दिखाया कि आज माही बहुत ज्यादा खुश है कि बारिश आ गई है, कल आप जाओगे नहीं, तो देखते हैं कल क्या होता है, अगर बारिश आएगी तो सोचते हैं नहीं जाएं क्या करें, बट वहां पे बारिश नहीं आ रही इतनी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, अदरवाइज देखते हैं कल का क्या प्लान होता है। आज का ब्लॉग तो मैं मतलब अपना रूटीन ही बना रही हूँ, आज का शाम तक ही बनाऊंगी, इवनिंग तक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लंच, बाद में आपको मिलती हूँ। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, बारिश कंटिन्यू अभी भी चल ही रही है यहाँ पे, तो देखते हैं कल का क्या सीन होता है। अभी हम बहुत कंफ्यूज हैं, कल हम जाएं ना जाएं, क्या है, मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, अब कोई पता नहीं है, बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और ऊपर से अभी तक हमने एक ही चैलेंज वीडियो की है, बाकी देखूंगी अब अगर कल चले गई तो कहाँ से चैलेंज वीडियो कर पाऊंगी, अदरवाइज अगर नहीं गई तो जरूर करूंगी। जीजा जी भी आ गए ऑफिस से, अब हम थोड़ी देर में चाय पी रहे हैं। तो चलो आज इसकी वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आगे अपनी वीडियो को नहीं बढ़ाती हूँ। तो चलो बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।